हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं नीरज। दोस्तों अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं हूं रांची विलेज में, और यहां से शुरू करने वाले हैं हम मन महेश्वर की यात्रा। आप देख सकते हो आज मौसम अभी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ख़राब यहां पर हुआ है, बादल आ गए हैं, कोहरा है। तो देखते हैं क्या रहता है, कैसे रहता है, कहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं। तो हमारी ये यात्रा बहुत ही खास और बहुत ही खूबसूरत रहने वाली है, तो बने रहिए। जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। इससे पहले हम केदारनाथ जाके आए हैं, केदारनाथ में हम आपको लेके गए केदारनाथ से 10 किलोमीटर ऊपर वासुकी ताल के हमने दर्शन कराए। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है जाके देखें। और अभी हम लेके चलते हैं आपको मन महेश्वर, महादेव के नाभि के दर्शन कराते हैं पंच केदार में, द्वितीय केदार मन महेश्वर, जहाँ पर महादेव के नाभि की पूजा की जाती है, वहाँ पर मैं लेके जाने वाला हूँ आपको। तो बने रहिए, अपना प्यार दीजिए और सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों के लिए YouTube पे वीडियो आ रही है, और एक तरफ से आप कह सकते हैं कि महादेव का आशीर्वाद आ रहा है, महादेव के दर्शन आपको उसमें करने को मिलेंगे। तो एडिट कर रहे हैं वीडियो, बस जाने ही वाली है YouTube में। ऐसे काम करना पड़ता है, तो वीडियो बनानी है, हर रोज़ वीडियो बनानी है, फिर उसको एडिट कर चलते चलते भी एडिट करना पड़ता है क्योंकि टाइम कम होता है। हाँ जी, थक जाते हैं, फिर रात को प्रोसेसिंग में लगा के छोड़ना होता है उसके बाद। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है कि कहीं कहीं पर नेट नहीं आता, तो नेटवर्क नहीं होने के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है, नेट की स्पीड कहीं पे अच्छी नहीं होती, तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन महादेव का नाम लेके हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि वीडियो अपलोड कर दें ताकि आप लोग देख सकें। और हमारी कोशिश रहती है हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दिखाएं। आप देख सकते हो ऐसे ये मौसम है, ये पहाड़ों में हम इतनी मेहनत करते हैं पीठ पे इतना सारा लगेज कैरी करके कि हम लोग आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट दिखा पाएँ, ताकि आप लोग घर बैठे ये सब प्रकृति का, महादेव के इस पवित्र भूमि का आप आनंद ले सकें। बस हमें आपसे सपोर्ट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम लोगों को मनोबल मिले आगे बढ़ने के लिए, आपके लिए कठिन रास्ते पर चलने के लिए, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आए। तो सपोर्ट कीजिएगा। हर हर महादेव। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उस पॉइंट पे जहां से मन महेश्वर की पैदल यात्रा शुरू होती है। तो बहुत ही ऐसे मतलब मन के अंदर में बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारी बैक टू बैक इतनी सारी यात्राएं चल रही हैं। केदारनाथ के दर्शन करके हम आगे बैकुंठ भैरव के दर्शन करके आए, वासुकी ताल केदारनाथ से 10 किलोमीटर ऊपर इतनी कठिन यात्रा करके आए, उससे पहले अमरनाथ की यात्रा करी थी, उससे पहले पंच कैलाश में सबसे कठिन श्रीखंड कैलाश की यात्रा करी थी, उससे पहले हेमकुंड साहिब गए थे, उससे पहले पंच केदार में सबसे कठिन रुद्रनाथ की यात्रा गए थे, और आज हम जा रहे हैं पंच केदार में द्वितीय केदार मद महेश्वर की यात्रा पर। तो सोचिए कि मन के अंदर में इतनी ज़्यादा खुशी है कि हम 2 से 3 महीने में लगभग 10 से 12 यात्रा कर चुके हैं। आप हमारे YouTube चैनल में जाके पुरानी वीडियो देख सकते हो, पहले की वीडियो देख सकते हो, अब की सारी यात्राओं की आपको बहुत आनंद आएगा और बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो ये रास्ता है मद महेश्वर का, और हम हो चुके हैं तैयार मद महेश्वर जाने के लिए। हर हर महादेव। ये रास्ता अभी यहाँ से शुरू हो जा रहा है, यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं और पत्थरों वाला रास्ता बना हुआ है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं रांची गांव से लगभग 2 किलोमीटर आगे उस पॉइंट पे जहाँ से मन महेश्वर की पैदल यात्रा शुरू होती है। यहाँ तक कुछ लोग गाड़ी में भी आते हैं क्योंकि ये यहाँ तक कच्ची रोड है, और सुबह सुबह अगर गाड़ी नहीं मिलती तो फिर पैदल ही आना होता है। हम आधे रास्ते तक 1 किलोमीटर पैदल आए और 1 किलोमीटर हमको गाड़ी मिली। अब यहाँ से हम जाने वाले हैं पैदल मद महेश्वर की यात्रा करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले हम कर चुके हैं बहुत सारी यात्राएं, हम सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें,
ताकि हम ऐसे ही कठिन यात्राएं आपको दिखाते रहें। और ऐसे अद्भुत रहस्यमयी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हर कोई नहीं पहुँच सकता और हर कोई आपको वीडियो के माध्यम से नहीं दिखा पाता है। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि महादेव के आपको दर्शन करवाएं, जहाँ जहाँ भी जिस कोने में महादेव है ना, बस आपको दर्शन करवाने की इच्छा है हमारी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में। इससे पहले हम आपको करा चुके हैं श्रीखंड कैलाश की यात्रा, जो पंच कैलाश में सबसे कठिन यात्रा है, पंच केदार में सबसे कठिन यात्रा, रुद्रनाथ की यात्रा करा चुके हैं। इससे पहले अभी 2 दिन पहले हम केदारनाथ गए थे, वहां से हमने आपको दर्शन कराए हैं वासुकी ताल के, जो सबसे कठिन यात्रा है। केदारनाथ से 10 किलोमीटर ऊपर जाना होता है। उससे पहले हम करा चुके हैं हेमकुंड साहिब की यात्रा, अमरनाथ की यात्रा, बहुत सारी यात्राएं करा चुके हैं। आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हो, आपको बहुत आनंद आएगा। और आज हम आपको लेके जा रहे हैं पंच केदार में है दुस्ती केदार, मद महेश्वर की यात्रा कराने वाले हैं। तो हमारे साथ सभी लोग बोलेंगे हर हर महादेव। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। और जो लोग हमारे चैनल में नए हैं, नए वीडियोस को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोग के सामने आगे आने वाली हैं। और हाँ, आप लोग हमारी आर्थिक रूप से भी मदद कर सकते हैं। और जो अलग अलग जगह से हैं, उत्तराखंड की अलग अलग जगह से, हिमाचल, लद्दाख, तो वहाँ के आसपास की बारे में आप हमें बता सकते हैं, जो अनएक्सप्लोर्ड ट्रैक हैं, जो वीडियो में नहीं दिखाए हैं आज से पहले किसी ने, और आसपास ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप चाहते हैं कि हमारे आसपास ये वाली चीज़ें भी एक्सप्लोर हो, तो वो कमेंट के माध्यम से आप लोग हमें बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी आप देख के हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी जगह है, और अपने आसपास रहने की सुविधा हम लोग को देख सकते हैं। तो हम ऐसी ऐसी जगह की वीडियो के माध्यम से उन लोगों को जानकारी देंगे जो लोग हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं, और जो लोग वीडियो आज तक पहले वहाँ की जगह की नहीं देखी है। तो दोस्तों हमें प्यार दीजिए, आप हमें रहने के लिए अपने इलाके में आप व्यवस्था कर सकते हैं रहने के लिए। आप बता सकते हो कि इस एरिया में आप आइए, ये वाले यात्रा को या ये वाले ट्रैक को एक्सप्लोर कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। ऐसे करके तो हम आपके एरिया में आएंगे और उस एरिया को एक्सप्लोर करेंगे। बस आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हर हर महादेव। दोस्तों देख सकते हैं हम गढ़तोली धार में पहुंचे हैं। यहाँ से गोंडार है 4 किलोमीटर, वनतोली है 5 किलोमीटर, खड्डार खाल है 7 किलोमीटर, नानू है 9 किलोमीटर, और मन महेश्वर यहाँ से 14 किलोमीटर है, 14.5 किलोमीटर। गढ़तोली धार में हम लोग पहुंच चुके हैं। दोस्तों यहाँ से मन महेश्वर जो धाम है वो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर है। तो हम लोग निकल चुके हैं अपनी केदारनाथ, जो केदार पंच केदार हैं उसमें द्वितीय केदार मन महेश्वर के दर्शन करने के लिए, मन महेश्वर धाम के दर्शन करने के लिए, जहाँ पर महादेव के मध्य भाग की पूजा की जाती है, महादेव के नाभि की पूजा की जाती है। तो बहुत ही भाग्यशाली हम लोग जो महादेव के हमको दर्शन करने के लिए मिल रहे हैं, और आप लोग भी हमारे साथ में भाग्यशाली हैं क्योंकि आप घर बैठे दर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं सिर्फ और सिर्फ महादेव की भेंट में आपसे ये चाहता हूँ कि आप महादेव को प्रसाद के रूप में हमें एक सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल में, कमेंट कीजिए हर हर महादेव। महादेव आपका जो प्रसाद है, आपकी जो भक्ति है, आपका जो भाव है, उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि हम महादेव से आप लोगों के लिए भी खुशियाँ मांगते हैं, हमारे YouTube फैमिली के लिए भी हम खुशियाँ मांगते हैं। तो अपना प्यार हमें देते रहिए, हम आपको ऐसे ही कठिन और कठिन यात्राएं कराते रहेंगे घर बैठे बैठे। तो बस हमें आपको एक प्यार की ज़रूरत है। Thank you.
दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत झरना। हम रासी गांव से लगभग 3 से 4 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत झरना। और ये झरना इतनी फोर्स से आ रहा है मुंह पे कि जितना भी सनस्क्रीन लगाया था ना सब बह गया। ऐसा लग रहा है मानो साक्षात गंगा मैया अपना विकराल रूप लेके धरती पे उतर रही है, इतना खतरनाक इस पर फोर्स है। जी हाँ, और आप देख सकते हैं दोस्तों आप देख सकते हो अभी मधमेश्वर यहाँ से बचा हुआ है 12.5 किलोमीटर। हम लगभग 4.5 किलोमीटर आ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत अभी तक की यात्रा रही, आपने देखा होगा कितने खूबसूरत यहाँ पर हमें 2 झरने मिले पीछे। और अभी आगे हम गोंडार पहुँचेंगे जो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर है, और उसके बाद फिर लगभग 11 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करनी रहेगी हमको, जो यहाँ का इस ट्रैक का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है। और फिर हम पहुँचेंगे महादेव के बहुत ही पवित्र धाम में मधमेश्वर। ये यहाँ पर बुंडियार गांव से पहले आपको बहुत ही बड़ी गुफा मिलती है, आप देख सकते हो कितनी बड़ी ये गुफा है। और ये जंगल का खूबसूरत दृश्य आप देख सकते हो, आप कितनी हरी भरी हरियाली है, पेड़ कितने खूबसूरत और ये जंगल इतना ही प्यारा। बहुत सुंदर है, बहुत ही अद्भुत ये यात्रा है। रुद्रनाथ जैसे जंगल में हमें जाना होता है प्रकृति के बीच से, वही बस रुद्रनाथ ट्रैक की जो झलक है ना वो याद आ गई अभी, बहुत सुंदर है। दोस्तों जब हमने रुद्रनाथ ट्रैक किया था तो रुद्रनाथ भी सेम ऐसी है कि आप जंगल से जाते हैं। रुद्रनाथ पंचकेदार में सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है, उसके बाद आपकी मधमेश्वर कठिन यात्रा है, फिर केदारनाथ है। केदारनाथ इसलिए कठिन नहीं कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पर सुविधाएँ बहुत सारी हैं। यहाँ पर ये जो रूट है यहाँ पर सुविधाएं कम होती हैं, यहाँ पर जो प्योर यात्री होते हैं, जो सिर्फ जिनके अंदर महादेव बसे होते हैं, महादेव को प्राप्त करने की इच्छा जिनके अंदर होती है,
वो ही मनमहेश्वर और रुद्रनाथ यात्रा पे जाते हैं। यहाँ पर ऐसे कोई पिकनिक मनाने या ऐसे घूमने के लिए टूरिस्ट बन के वैसे लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि ये साक्षात महादेव की भूमि है। केदारनाथ में महादेव विराजमान है, पर उसको पिकनिक स्पॉट बन चुका है। वो आसान हो चुकी है यात्रा, आपका जब मर्जी यहाँ पर रुक जाइए, जब मर्जी आपका आप खाई खाइए। यहाँ पर ये सब कुछ नहीं है, यहाँ पर लिमिटेड दो तीन जगह हैं जहाँ पर आपको खाने के लिए छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी, बस। बाकी पूरा जंगल है और खड़ी चढ़ाई है, बहुत कठिन यात्रा है। तो हमें ऐसे ही यात्राएं पसंद है जहाँ पर शोरगुल ना हो, जहाँ पर शांति हो, और हम लोग आपको दिखाते हैं ऐसी यात्राएं जहाँ पर महादेव साक्षात विराजमान है। ये देखिए, ये देवदार देवीधार मंदिर है। यहाँ से गोंडार है लगभग आधा किलोमीटर, वंतोली है 2.5 किलोमीटर, नानू है 5 किलोमीटर, और मनमहेश्वर धाम है यहाँ पर 11 किलोमीटर, और हम आ चुके हैं लगभग 3.5 किलोमीटर। यहाँ पर मंदिर है माता का आशीर्वाद लेने के बाद ही आप आगे की तरफ जा सकते हैं। जय माता की। जब भी आप यात्रा में आते हैं तो भगवानों का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके बिना हम इन कठिन पहाड़ों में, इन कठिन चुनौतियों में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब तक हमारे साथ में देवी देवताओं का आशीर्वाद नहीं है, हम ये कठिन यात्राएं नहीं कर सकते हैं। अब ये रास्ता जाता है यहाँ से भुंडियार गांव के लिए, सामने गांव है और ये नदी है। इसके बाद आएगा वंतोली, और उसके बाद मनमहेश्वर के लिए कठिन यात्रा जो है चढ़ाई वो शुरू हो जाती है। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं देवीधार। यहाँ से जो मनमहेश्वर धाम है वो लगभग 11.5 किलोमीटर है, और हम अभी लगभग 5 किलोमीटर आ चुके हैं, और आगे तक की जो हमारी यात्रा है बहुत ही खूबसूरत रही। बहुत ही अच्छा लगा इस यात्रा में, और सुंदर सुंदर दृश्य जब हमें इस यात्रा में देखने को मिल रहे हैं तो ये और भी शोभा बढ़ा दे रहे हैं यात्रा की। और छोटे छोटे मंदिर जो यात्रा में, हम कोई भी यात्रा करते हैं तो छोटे छोटे मंदिर जो उस भूमि के जो देवता होते हैं वहाँ पे विराजमान रहते हैं, तो उनका आशीर्वाद लिए बिना आप लोग बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि उस भूमि के जो देवता हैं उनका आशीर्वाद आप लोग लेंगे तभी आप अच्छे से सफलतापूर्वक अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। जी ज़रूर। अभी हम पहुँचेंगे भुंडियार गाँव, उसके बाद हम पहुँचेंगे वंतोली, और उसके बाद वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके हम पहुँचेंगे महादेव के केदार, द्वितीय केदार मदमहेश्वर में। और अभी का जो यात्रा थी वो चढ़ाई नहीं थी, एकदम डिसेंट था, और अब थोड़े आगे जाके फिर हमारी चढ़ाई मिलेगी, शुरू हो जाएगी। तो चलते हैं आगे की यात्रा। ये गोंडार का बहुत ही खूबसूरत गांव है, आप देख सकते हो। पहाड़ों में कैसे किचन होते हैं, रसोई जिसे बोलते हैं, ये देखिए इतनी सुंदरता से बनाए हुए हैं, लीपा हुआ है, ऐसे यहाँ पे भोजन बनता है चूल्हे में। ये झोंकने काट दिया है, पहाड़ों में आए और झोंकना काटे तो फिर ऐसा हो नहीं सकता, और अगर ना काटे तो फिर आप क्या लेके जा रहे हैं।
देखो इसने जूते के अंदर पूरी खून खून कर दिया है, खुने हुए भैया।